बिहार लोक संवाद डॉट नेट में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं समी अहमद, आज मेडिकल नामा का दूसरा हिस्सा लेकर। जैसा कि आपने हमारे पहले एपिसोड में देखा था, तब हमने IGIMS के बारे में बात की थी। आज मैं मौजूद हूं एम्स, जो पटना स्थित है, और हमारे साथ मौजूद हैं पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिन्हें हम चिकित्सा अधीक्षक भी कहते हैं। आज उनसे हम ये जानेंगे कि एम्स के बारे में कि ये कब बना, कैसे बना और यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है बिहार लोक संवाद में। आप अस्पताल के बारे में बताएं, ये पटना एम्स जो है। देखिए, पटना एम्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो कुछ इंस्टीट्यूट है उसमें से एक है। पहले एक एम्स था नई दिल्ली, उसके बाद से फिर 6 नए एम्स की शुरुआत हुई, उसमें से पटना एम्स एक है। हम लोगों ने 2012 में फर्स्ट बैच एडमिट हुआ एम्स पटना में MBBS का। उस समय सीट 50 बच्चों की सीट थी 2012 में। उसके बाद धीमे धीमे सीटें बढ़ा के 125 कर दी गई, तो पर हर ईयर 125 बच्चा एडमिशन लेता है MBBS करने के लिए। और 2013 से हम लोगों ने OPD शुरू कर दिया था। 2014 से इन पेशेंट की सुविधाएं शुरू हो गई, और धीमे धीमे फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट बढ़ते गए। और आज के दिन में अगर मैं आपके बताऊं तो हमारे पास जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, कल ही अभी एक बाईपास सर्जरी हुई है हमारे यहाँ, तो इस तरह से बाकी जनरल डिपार्टमेंट तो सभी हैं, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, गायनकोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट हैं। सुपर स्पेशलिस्ट भी काफ़ी डिपार्टमेंट हमारे पास फंक्शनल हैं। टोटल जो बेड है हमारे पास 960 लोगों की भर्ती करने की सुविधा है यहाँ पे, और जिसमें से कि ज़्यादातर बेड भरे ही रहते हैं। और OPD में ही भी हम आपको बताएं तो पिछले कुछ महीनों से लोगों का आना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। इस समय एवरेज OPD करीब 3,500 की होती है। 3,500 मरीज हमारे दिखाने आते हैं रोज एम्स पटना में, तो यही है। OPD का मतलब होता है जो मरीज बाहर से आते हैं और दिखा के उसी दिन वापस चले जाते हैं, उनको यहाँ भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि IPD उन मरीजों को कहा जाता है जो यहाँ पे भर्ती होकर इलाज कराते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे लगभग हर मर्ज़ का, वो चाहे कैंसर का हो, चाहे आँख का हो, चाहे किसी को संतान नहीं है उसके बारे में अगर किन को मशवरा करना है, राय लेनी है, या वहाँ पर इलाज कराना है इस तरह के हड्डी रोग के बारे में, या फिर गैस्ट्रो सर्जरी जो पेट की ख़राबी होती है आमतौर पर, ये मेडिकल की भाषा है गैस्ट्रो सर्जरी और गैस्ट्रो मेडिसिन। इसी तरह से डॉक्टर साहब यहाँ पे पेडियाट्रिक सर्जरी भी और पेडियाट्रिक मेडिसिन भी है, मतलब बच्चों के लिए भी दो अलग अलग विभाग है, एक मेडिसिन है और एक सर्जरी है। डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, पेडियाट्रिक सर्जरी काफ़ी विकसित डिपार्टमेंट है, तो पीडियाट्रिक सर्जरी तो हमारे पास ही है, उसमें कंसल्टेंट हैं। और उसमें आपको जान के अच्छा लगेगा कि MCH भी हो रहा है, क्योंकि हम बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं जो देश के विभिन्न भागों में आगे काम करेंगे। पीडियाट्रिक मेडिसिन तो बहुत पहले से ही हमारा विकसित रहा है, और पीडियाट्रिक मेडिसिन ने, आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी ICU हैं उनको, वहाँ पे जो भी नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं उनको प्रशिक्षण का काम कर रहा है। और हम लोग प्लान किए हैं कि जितने भी सुदूर ICU हैं बिहार में, चूँकि ट्रेंड मैन पावर की कमी रहती है, बिहार में नहीं दुनिया में सब जगह है, तो हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो उनको ऑनलाइन राउंड करेंगे, मतलब ऑनलाइन वहाँ के मरीज को देखेंगे और उनको एडवाइस करेंगे अगर कुछ ज़रूरत होगी तो, और डॉक्टर जो वहाँ पोस्टेड होंगे उनसे बात करेंगे। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत ही विकसित है हमारे पास। डॉक्टर साहब ने जो बताया MCH, वो असल में MS की डिग्री होती है सर्जरी की, उसके बाद ये कोर्स होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम एम्स पटना में कहाँ कहाँ के मरीज आते हैं। एम्स पटना में प्राइमरली तो बिहार के मरीज आते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी मरीज आते हैं हमारे पास, कुछ मरीज नेपाल से भी आते हैं, कुछ झारखंड से भी आते हैं, तो एडजॉइनिंग एरिया जितनी भी हैं, कुछ पेशेंट उड़ीसा से भी आते हैं, तो यही है। और हमने देखा है कुछ आसनसोल जो आपका एकदम लगा हुआ इलाका है, वहाँ से भी एक दो मरीज को मैंने देखा था। वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, मतलब जितने भी एडजॉइनिंग स्टेट हैं बिहार से लगे हुए, जो भी स्टेट हैं, चाहे UP हो गया या इधर आपका उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उधर नेपाल से काफ़ी मरीज आते हैं, तो ये सारे एडजॉइनिंग स्टेट से मरीज आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाहर से जो लोग आते हैं उनमें ये असमंजस रहता है कि
पता नहीं यहाँ पर किन किन चीज़ों की जाँच होती है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सारी जाँच बाहर करानी चाहिए, आप इस बारे में बताएँ क्या यहाँ सुविधाएँ हैं। देखिए एम्स पटना इस देश में हमें लगता है दूसरा संस्थान है गवर्नमेंट सेक्टर में जो अपने जो भी मरीज भर्ती होता है उसके लिए सारी दवाएं उपलब्ध कराता है बहुत ही नॉमिनल रेट पे, क्योंकि उसके लिए टेंडर की प्रोसेस करके कराता है। जांच के बारे में कह रहे हैं, जांच मतलब ऐसे आप मान के चलिए तो ऑलमोस्ट सभी जांच होती है। एक बहुत कोई अगर स्पेशलाइज जांच अगर हो गई वही दो चार आप कुछ आप गिन सकते हैं कि दो चार जांच नहीं होती, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी जांचें होती हैं। दवाएं तो नहीं मिलती है ना, भर्ती मरीज को सारी दवाएं अस्पताल से ही मिलती हैं। अच्छा। सारी दवा अस्पताल से मिलती है भर्ती मरीजों को और बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर मिलती है, जिससे मरीज का जो इलाज के खर्चे होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, हम अपने जो सुदूर इलाके के लोग हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे सीटी स्कैन है या और जो बड़ी जांच है जो आमतौर पर महंगी जांच है, वो क्या उपलब्ध है सब? बिल्कुल, हमारे पास दो सीटी की मशीनें हैं और एमआरआई है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड तो बहुत सारे हैं, ईसीजी है, मतलब जितने भी आप टेस्ट का नाम लेंगे ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल है। एक दो टेस्ट अगर कभी होगा कि वैसे तो लिमिट नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन जो रोज़मर्रा के रोज़मर्रा या अक्सर मरीजों को जो ज़रूरत होती है वो सारे टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे। अच्छा, कई लोगों की शिकायत मैंने सुनी बाहर के अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, 2 महीने 1.5 महीने का वक्त मिलता है, इसके लिए आप क्या बताएंगे? उसमें देखिए दो तरीके के मरीज होते हैं, एक तो होता है ओपीडी के और दूसरा यह है कि जो हमारे पास भर्ती मरीज हैं, तो भर्ती मरीजों को हमें करना ही होता है क्योंकि पेशेंट भर्ती है, उसको उसी समय इलाज चाहिए, उसी समय डिसीजन चाहिए डॉक्टर को, तो उनका तो सेम डेट में एमआरआई सीटी अल्ट्रासाउंड जो भी हो जाता है। जो आउट पेशेंट में दिखाते हैं, जो ओपीडी में दिखाते हैं, उनके लिए डेट देना पड़ता है क्योंकि एमआरआई की मशीन एक है, एक घंटे में करीब करीब लग जाता है एक होने में, तो दिन भर में हम 18 से 20 एमआरआई कर पाते हैं, जबकि अगर ओपीडी में हम देखें तो दिन भर में 40 से 50 एमआरआई लिखा जाता है, तो वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको डेट मिलती है। अंदर का जो भर्ती मरीज है उसको कोई डेट नहीं मिलती, उसको उसी दिन होता है। अच्छा, कुछ इसको और बढ़ाने की उम्मीद है आपका, जाँच की सुविधाएँ जो है पहले के मुकाबले में कुछ बढ़ेंगी आगे? एक एमआरआई की मशीन लगने वाली हमारी प्रोसेस में है, उसको लग जाने से काफ़ी आसान हो जाएगा और एक सीटी भी लगने वाला है तो उससे थोड़ा सा और सहूलियत मिलेगी। अच्छा, दांत के कुछ मरीजों ने बताया कि एक्सरे के लिए, जबड़े के एक्सरे के लिए उनको बाहर भेज दिया था, यहाँ सुविधा नहीं है क्या उसकी? पहले नहीं थी, कुछ समय पहले नहीं थी, लेकिन अब वो सुविधा है। अच्छा, अब उनको बाहर नहीं जाना होगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं जाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी सब दी, एक और जानकारी चाहिए थी कि यहाँ पर ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था क्या है और ऑफलाइन दिखाने की क्या व्यवस्था है? देखिए, एक तो टेलीमेडिसिन सर्विसेज हमारी चल रही हैं, उस टेलीमेडिसिन सर्विसेज पे आदमी कहीं भी बैठा हुआ बिहार में या इवन जो भी एडजॉइनिंग स्टेट है, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू हमारे डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हैं। रही बात कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के पोर्टल पे, उस पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिए, वो आके हमारे यहाँ इलाज ले सकते हैं। बाकी डायरेक्ट तो रजिस्ट्रेशन हमारा सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, कोई भी मरीज वॉक करके जा सकता है और रजिस्ट्रेशन अपना करा के दिखा सकता है। यानी मतलब ये होगा कि अगर कोई बाहर से आ रहे हैं तो उनको 12 बजे से पहले और 8 बजे के बाद यहाँ पहुँचना होगा, और अगर किन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से ऑनलाइन करा लिया है तो उन्हें भी उस दौरान ही आके अपना एक बुकलेट मिलता है शायद यहाँ पे, वो बुकलेट मिलेगा और उसके मुताबिक वो अपना जहाँ उनको ज़रूरत है जिस विभाग में जाने की वहाँ वो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये था, यहाँ पे इमरजेंसी के मरीज़ कम भर्ती हों, खास के जो ट्रॉमा में आपके वहाँ पे कम, या फिर आईसीयू में लोगों को सीट कम मिलती है, क्या ये सही बात है? देखिए ऐसा, इमरजेंसी से करीब करीब 50 एडमिशन रोज होते हैं हमारे यहाँ। अब बात बस इतनी सी है कि हर आर्मी की च्वाइस है कि वो एम्स पटना में भर्ती हो, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप हमारा आंकड़ा देखेंगे तो 50 से 60 मरीज डेली इमरजेंसी से भर्ती होता है, ओपीडी से तो छोड़ दीजिए, तो उस तरीके से ऐसा नहीं है, मरीज भर्ती होते हैं। हाँ, आईसीयू का दिक्कत होता है कई बार, क्योंकि कितना हो आईसीयू आप करिए, आईसीयू में टर्नओवर बहुत कम होता है, तो ये है कि आईसीयू कभी नहीं मिलता है। आईसीयू अभी 60 बेड का चल रहा है, आगे और योजना? हाँ, आगे और बढ़ाने का योजना है, क्योंकि कोविड के चक्कर में थोड़ा सा उधर भी हमारा वर्कफोर्स लगा रहता है, तो अभी तो कोविड नहीं है तो कमी आदमी उधर लगे हुए हैं, तो धीमे धीमे हम आईसीयू और बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर, अक्सर ये बात आती है कि डॉक्टर्स कम हैं और मरीज ज़्यादा हैं, क्या ऐसी स्थिति यहाँ भी है? एम्स पटना में ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स कोई कम नहीं है, डॉक्टर्स हमारे पास अच्छी संख्या में हैं और ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे अस्पताल चल रहा है,
अब ये है कि इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें नया अस्पताल का बिल्डिंग बनाना होगा, फिर उसके बाद काम। तो क्या यहाँ पे अभी गुंजाइश और है इस तरह की? अब वो तो भविष्य की बात है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। जगह वगैरह है इस कैंपस में इतना कि और बढ़ाएं इसको आप? हाँ, थोड़ी जगह है और बाकी और जगह के लिए हम लोग बिहार सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमें बगल में थोड़ी और जगह दे दें जिससे कि आगे का एक्सपेंशन उसमें हो सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आखिर में सिर्फ ये बता आपसे जानना चाहेंगे कि जो मरीज बाहर से आते हैं, जो परेशान ना हो, उनको आप क्या सलाह देंगे ताकि हमारा ये कार्यक्रम देख के जब वो यहाँ आए तो उनको इत्मीनान से इलाज की सुविधा मिले? उसमें बस यही कहेंगे कि जैसा आपने भी बताया था कि जिनको इलाज कराना है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। कई बार ये देखते हैं कि जैसे पेशेंट दूर से आता है तो वो 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसमें भी अगर सीरियस मरीज है तो इमरजेंसी चले जाते हैं, वहाँ से उनका भर्ती हो जाता है। लेकिन सीरियस अगर नहीं है तो उस समय उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना हो पाता है तो वो इधर उधर परेशान होते हैं। तो मरीजों को ये जानना होगा कि 8 से 12 के बीच में, चूंकि इतना पेशेंट का लोड है कि जो 12 बजे हम रजिस्टर करते हैं जिस पेशेंट को, उसको देखते देखते हमें कई बार 6 और 7 बज जाता है शाम को, तो इसलिए 12 बजे रजिस्ट्रेशन बंद करना होता है। तो उनको बस यही कहूँगा कि वो समय से आएँ, 8 से 12 के बीच में आ जाएँ। खुद नहीं आ पाते हैं, अगर मरीज मान लीजिए दूर है कहीं, तो किसी अपने आदमी को भेज के एटलीस्ट उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें जिससे कि जब से मरीज आएगा तो उसको देखा जा सके। देखने के लिए तो 6-7 बजे तक 5-6 बजे तक भी लोग देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सीएम सिंह, मेडिकल अधीक्षक एम्स पटना के, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो इलाज की सुविधाएं हो बेहतर हो। उन्होंने और भी कई जानकारी दी। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे वेबसाइट पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट में आप सवाल रखें अपना। आपसे फिर मुलाकात होगी मेडिकल नामा के एक और एपिसोड के साथ, तब हम कहीं और ले चलेंगे, किसी और अस्पताल, वहाँ की जानकारी देंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।